नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल गार्डन किंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ करुंदा प्लांट के ऊपर। आज अपना वीडियो है कि इसकी ग्रोथ कैसे बढ़ाएं और इसके फल नहीं आ रहे तो आपको क्या करना चाहिए और इसको कौन सी मिट्टी में लगाना चाहिए और भी बहुत सारे टॉपिक इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखना और पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पर दोस्तों आप नए दर्शक हो, पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आगे मैं ऐसी कोई नई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज की इस वीडियो को करते हैं अपन शुरू। दोस्तों, सबसे पहले अपन इसी प्लांट की बात कर लेते हैं। ये जो प्लांट मैंने जो लगाया था, तकरीबन इसको 8 साल पुराना हो चुका है प्लांट, और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों, मैं ये बता देता हूँ कि इस प्लांट की जो केयर जो करनी है आपको, तो मतलब कि शुरू के 3 साल तक आपको अच्छी तरीके से इसकी केयर करनी है। बाद में मतलब इसकी केयर आप नहीं भी करोगे तो भी ये चलता रहेगा। और दोस्तों, इस प्लांट की थोड़ी सी आपको ध्यान भी रखनी है, क्योंकि दोस्तों ये जो प्लांट है मतलब इसके कांटे बहुत सारे होते हैं, तो आपको ऐसी जगह पर लगाना है जहाँ पर इसके पास में बच्चे वगैरह नहीं पहुँच पाए, क्योंकि दोस्तों ये बच्चों को नुकसान भी पहुँचा सकता है। तो अब दोस्तों इसकी केयर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि ऐसा प्लांट अगर आपके घर में लगा रहे हो या मतलब कि लगा दिया है, गमले के अंदर भी लगा सकते हो इस प्लांट को, और चाहो तो आप मतलब कि आउटडोर बाहर भी लगा सकते हो ज़मीन के अंदर। दोस्तों, ये कोई से भी ज़मीन में चल जाएगा वैसे, मतलब कि अगर उपजाऊ मिट्टी होगी तो उसके अंदर चल जाएगा। बाकी आप थोड़ा सा मतलब कि खाद और रेत मिक्स करके भी आप इसको लगा सकते हो, मिट्टी इसकी ड्रेनाइज हो जाएगी, फिर आप इसको कोई सी भी मिट्टी में लगा सकते हो। दोस्तों, इस प्लांट की जो मतलब कि सनलाइट की जो आवश्यकता होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा सनलाइट की आवश्यकता होती है, तो आपको ऐसी जगह पर लगाना है इस प्लांट को जहाँ पर मतलब कि दिन की अच्छी तरीके से इसको धूप मिल सके। क्योंकि दोस्तों, ये जो प्लांट होता है तो मतलब कि सनलाइट की वजह से ग्रो करता है, तो आपको मतलब कि ऐसी जगह देख लेनी है आपके गार्डन के अंदर जहाँ पर मतलब सुबह और शाम की जो धूप है वो एनी टाइम आती रहे, तो वैसी जगह पर आप इस प्लांट को लगा सकते हो। तो इसकी प्लांट की जो हाइट की बात करते हैं अपन, तो हाइट इसकी दोस्तों तकरीबन 8 फीट तक होती है, और इसकी जो मतलब कि जो गोलाई जो होती है तो वो 2 फीट तक होती है। तो आपको क्या करना है कि इसके 2 फीट के दायरे में आपको कोई सा भी दूसरा प्लांट नहीं लगाना है, और दोस्तों 2 फीट के दायरे में भी नहीं लगाना है, और इस प्लांट को भी आपको ऐसी जगह पर लगाना है जहाँ पर मतलब कि ये कीड़े मकोड़े इस प्लांट पर थोड़े से ज़्यादा ही होते हैं, तो आपको थोड़ा सा दूर ही लगाना है, क्योंकि दोस्तों ये प्लांट है दूसरे प्लांटों को भी नुकसान पहुँचा सकता है वैसे। और दोस्तों, कीड़े मकोड़े के लिए आप इस पर स्प्रे भी कर सकते हो वैसे, नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो, और दोस्तों दूसरी भी कोई भी अगर आपके पास में मतलब स्प्रे है तो उसका आप कर सकते हो। अदर दोस्तों, ये प्लांट ऐसा है कि इस पर कोई भी स्प्रे नहीं करोगे तो भी ये प्लांट मतलब कि कीड़े मकोड़े इस प्लांट को ख़राब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो प्लांट होता है तो ये मतलब एडजस्ट अपने आप हो जाता है कीड़ों मकोड़ों के साथ में, सबके साथ में मतलब कि ये ख़राब नहीं होता है ऐसा प्लांट। तो अगर आप इस पर स्प्रे नहीं भी करोगे तो भी ये प्लांट मतलब कि ईजिली और अच्छी तरीके से ग्रो करता रहेगा। और दोस्तों, आपको छोटी छोटी बातों पर ही थोड़ा सा इसमें 3 साल तक आप इसकी केयर अच्छी तरीके से कर लोगे तो बाद में आपको इसकी कोई भी केयर करने की ज़रूरत नहीं है, और ये मतलब ईजिली और अच्छी तरीके से ग्रोथ होता रहेगा। और दोस्तों, अब इस प्लांट की फर्टिलाइज़र की बात करते हैं अपन, तो खाद आप इसमें कोई सा भी मिक्स कर सकते हो। अगर आप मतलब कि प्लांट लगाते हो उस टाइम पर जो मिट्टी तैयार करते हो, तो उसके अंदर मतलब आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हो एक तो, और एक देसी गोबर का खाद है उसका भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। इस प्लांट के लिए दोनों ही खाद अच्छे हैं। और दोस्तों, मिट्टी अगर आपकी थोड़ी सी नमी नहीं है, टाइट मिट्टी है, तो आपको क्या करना है कि मिट्टी में थोड़ी सी रेत मिक्स करके फिर इस प्लांट को आपको लगा देना है। तो उससे क्या होता है कि दोस्तों मिट्टी है जो थोड़ी सी बुरबुरी और मतलब कि उपजाऊ मिट्टी हो जाती है, तो प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करता है वैसे। अब मैं बता देता हूँ आपको, इस प्लांट के अगर आपके फल आ रहे हैं मतलब कि कम आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि दोस्तों इसमें जो आपको क्या करना है, केवल फर्टिलाइज़र में ही थोड़ा सा चेंजेस करना है। आपको महीने में केवल 2 बार फर्टिलाइज़र करना है अगर आपके फल कम आ रहे हैं तो, बाकी अगर आप 1 बार करोगे तो भी चल जाएगा वैसे, और शुरू शुरू में ही करना होता है, बाकी बाद में नहीं करना होता है, क्योंकि दोस्तों ये 1 बार जो ग्रो हो जाता है फिर प्लांट तो वैसे रुकता नहीं है। तो आपको केवल फर्टिलाइज़र में थोड़ा सा चेंजेस करना है, और बाकी आप इसकी अच्छी तरीके से खुदाई कर सकते हो वैसे, और इसको पानी टाइम पर देते रहना है। बाकी दोस्तों, इसमें ऐसा कोई भी मतलब कि आपको दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों, मैं इसी प्लांट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सा भी प्लांट ले लो आप, उसको अगर आप मतलब कि फर्टिलाइज़र टाइम पर दे रहे हो, खाद उसमें अच्छी तरीके से मिक्स करके डाल रहे हो, और दोस्तों आप इसमें चाहो तो नीम केक का इस्तेमाल भी कर सकते हो वैसे, और दोस्तों आप इसमें पानी टाइम पे दे रहे हो, तो फिर प्लांट, ये इस प्लांट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई सा भी प्लांट ले लो आप, दूसरा फ्रूट का प्लांट ले लो, वो मतलब कि अच्छी तरीके से ग्रो करता रहता है। क्योंकि दोस्तों, जो इसमें जो ऊर्जा जो पैदा करता है मतलब कि ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो केवल वो फर्टिलाइज़र ही करता है, अदर कोई भी नहीं करता है। तो आपको मैं थोड़ा सा बस इस पर फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करना है, शुरू के टाइम में आप ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपका प्लांट 8-9 साल पुराना हो चुका है तो फिर आपको इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है।
और दोस्तों आपने अगर लगा दिया इस प्लांट को और ऐसी जगह पर लगा दिया जहाँ पर इसको स्पेस कम है, तो आप इसकी कटिंग भी कर सकते हो दोस्तों। मैंने भी इसकी कटिंग करी थी और वो भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो ये देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसकी यहाँ से कटिंग करी थी और इसके बाद में इसकी जो पीछे वाली जो नई जो लीफ निकली है, मतलब कि नई कलम निकल चुकी है, नई डंडी निकलने के बाद में क्या होता है कि दोस्तों उस पर फ्रूट है वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और मैं केवल ऐसे ही करता हूँ, जैसे ये बड़ा हो जाता है तो फिर इसकी कटिंग कर देता हूँ, ताकि ना तो प्लांट इतना ज़्यादा मतलब कि फैले और ना इसकी कोई भी इन्फेक्शन वगैरह की कुछ प्रॉब्लम हो। तो आप इसकी ऐसे कटिंग करके भी इसको मतलब कि ज़्यादा फ्रूट्स ले सकते हो इस प्लांट से। बाकी दोस्तों इसकी केयर कुछ ज़्यादा है नहीं, केवल पानी, फर्टिलाइज़र और इसकी जो मतलब कि कटिंग वगैरह और खुदाई अगर टाइम पे करते रहोगे आप, तो फ्रूट भी ज़्यादा आएंगे और प्लांट की ग्रोथ भी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना सही, मिलते हैं कल की न्यू वीडियो के साथ में। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और पास में बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा देना और कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल की न्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय, टेक केयर।